नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। यूपी में गठबंधन हो चुका है और अब खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में भी गठबंधन पे मुहर लग सी गई। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पे बात करेंगे, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा आज या कल में। हाँ यार, सही कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत समय से जो चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है, दोनों इंडिया गठबंधन के पार्ट है, तो वो बीजेपी को अच्छा टक्कर दे सकती है। बीजेपी वन साइडेड 2014 और 19 दिल्ली में 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पे 14 में भी और 19 में भी दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है जी। ये बात दीगर है कि 15 में जब विधानसभा के चुनाव हुए 14 के बाद, तो 70 में से 63 जीती आम आदमी पार्टी। 19 के बाद जब 20 में चुनाव हुए तो 70 में से 62 जीती। तो दिल्ली ने एक तरीके से यह तय कर लिया कि दिल्ली के लिए उसे अरविंद केजरीवाल चाहिए और केंद्रीय स्तर पे उन्हें नरेंद्र मोदी चाहिए जी। 7 सीटें बहुत होती है, तो कांग्रेस जो बिल्कुल डाउन एंड आउट सी दिख रही है, एमसीडी के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बुरा था, तो कांग्रेस ना चाहते उसके उसका कार्डर नहीं चाहता है, लेकिन टॉप लीडरशिप ने एक फैसला किया है और आम आदमी पार्टी चूंकि दिल्ली के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन सिफर हो जाता है, इसलिए दोनों एक गठबंधन में आने के लिए करीब करीब तैयार है। 7 सीटें हैं। अब दर्शकों को यह बता दे कि ये 7 सीटों में कौन किस सीट पे चुनाव लड़ेगा। दिल्ली की 7 सीटें कौन सी हैं? दिल्ली में चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कहते हैं इसे, पूर्वी दिल्ली, इन तमाम सीटों पे बीजेपी जीतती रही है। आपको मालूम है चांदनी चौक से हर्षवर्धन दो बार से चुनाव जीत रहे हैं, उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी जीत रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से पहले जो थे उनको रिप्लेस करके गौतम गंभीर जो क्रिकेटर हैं उनको उतारा गया, वो चुनाव जीत रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली 5वां, पश्चिमी दिल्ली 6ठा, उत्तर पश्चिम दिल्ली 7वां, जो नई दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट है नई दिल्ली। अब आपको बता दें कि कौन सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा जी। चांदनी चौक से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी लड़ेगी, उत्तर पश्चिमी से आम आदमी पार्टी लड़ेगी और नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। यानी 4-3, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पे कांग्रेस। अब ये 3 सीटें जो कांग्रेस को दी गई हैं, ये जानना जरूरी है कि ये 3 सीटें कांग्रेस को क्यों दी गई जी। इन 3 सीटों पे अगर मुस्लिम आबादी देखी जाए, चांदनी चौक 16.7% मुस्लिम आबादी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे ज्यादा 21% मुस्लिम, पूर्वी दिल्ली बहुत ज्यादा मुसलमान यहां भी है 18.9%,
अब ये जो वोट है मुस्लिम वोट, इसका डिवीजन होता है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव मैदान में उतरते हैं। इसलिए इस बार यह तय किया गया है कि ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दी जाए। आम आदमी पार्टी को लगता है कि मुस्लिमों की पहली पसंद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी है जी। तो ये तीन सीटें जहां कहा जाता है 3 लाख के आसपास, और कई जगह 3 लाख से ज्यादा, एक जगह तो 3 लाख से ज्यादा, ये जो मनोज तिवारी की सीट है मुझे लगता है 21% मुसलमान, वहां 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता होंगे। तो एक तरीके से चेकमेट करने की कोशिश है बीजेपी को कि बीजेपी जब इनके सामने होगी और दोनों के कंबाइंड फोर्स के सामने होगी तो वो जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। तो ये 7 सीटें आपको बता दी, इन 7 सीटों में कौन कहां से लड़ेगा ये बता दिया, और कौन क्यों लड़ेगा वो सीट ये आपको बता दिया। सर एक और बात है कि अभी आपने बताया कि 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है और 4 सीटें आम आदमी पार्टी, जबकि अगर हम पार्लियामेंट में वोट शेयरिंग की बात करेंगे तो कांग्रेस हमेशा सेकंड नंबर पर रही है, बीजेपी के बाद कांग्रेस रही है, बट फिर भी यहाँ पे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दी, खुद 3 पे लड़ी। तो ऐसे देखने को मिल, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जैसे यूपी में कुर्बानी दी, वहां पे जैसे गठबंधन हुआ वहां पे भी कांग्रेस दिल्ली में भी वैसे ही कुर्बानी देके बस पहले सीटें जीतने की कोशिश करी। देखिए ऐसा है आशुकेश, सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट्स की वजह से या वोट की वजह से आपका गठबंधन नहीं होता है जी। असेंबली में पिछले 2 बार से वो 0 सीटें जीत रही है कांग्रेस पार्टी, 70 में कोई भी असेंबली में उनका पार्टिसिपेंट नहीं है, एमएलए नहीं है। जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं 3 लेयर पे अगर देखा जाए, चाहे वो एमसीडी हो, विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में उसका प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से कई जगह बेहतर रहा है, लेकिन बाकी 2 चुनावों में नतीजा 0 रहा है। और गठबंधन में गिव एंड टेक होता है, जो दल स्थानीय स्तर पे एमसीडी में सत्ता में हो, विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में हो, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सत्ता में है उससे ज्यादा बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है जी, तो वैसे में 3 सीटें विन विन सिचुएशन है कांग्रेस पार्टी के लिए। उसका काडर ये चाहे चाहे नहीं, लेकिन उसका काडर ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी जिसने उसका पूरा वोट बैंक अपने में समेट लिया है वो उससे छीनना चाहता है, वो स्नैच करना चाहता है। लेकिन 2024 की ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर आप साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे और जब दोनों इंडिया ब्लॉक में एक साथ आए तो ये तय था कि गिव एंड टेक होगा जी। अब एक जानकारी और आपको दे दूं जो इंटरेस्टिंग है, चूंकि दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कौन लड़ेगा किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन दिल्ली से कौन 7 की 7 14 और 19 में बीजेपी जीती है, तो दिल्ली में क्या होने वाला है जी। तो दिल्ली में हो सकता है कि 7 के 7 सांसदों का टिकट काट दिया जाए। जो चौंकाने वाला कुछ फैसला होता है बीजेपी के शीर्ष नेताओं का और खासतौर पर नरेंद्र मोदी अमित शाह का, तो एक राय ये है, एक चर्चा ये है कि 7 के 7 बदल दिए जाए, पूरे घर के बदल डालूंगा, जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में किया था, 11 के 11 कैंडिडेट बदल दिए गए। यानी मनोज तिवारी भी, मैं आ रहा हूं उस पर, ऐसे में क्या होगा, क्या अफोर्ड कर सकती है बीजेपी 7 के 7 बदल देना। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को लगता है कि दिल्ली में जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के, बाकी जगह तो होता ही है, दिल्ली में तो खासतौर पे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव होता है और जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उनकी अपनी इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए। गौतम गंभीर की रिपोर्ट कार्ड ठीक है, लेकिन लोगों से कम्युनिकेशन संवाद वो बहुत ज्यादा उनका नहीं है, बहुत रिजर्व रहते हैं। उनका परफॉर्मेंस, उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक बताया जाता है, लेकिन जो संवाद है लोगों से वो कम है। मनोज तिवारी एमसीडी के चुनाव में मनोज तिवारी का प्रदर्शन उनके क्षेत्र में अच्छा रहा है, लेकिन वो पिछले 2 बार से सांसद हैं। आपके सरदार जी जो दिल्ली से सांसद है हंसराज हंस, कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं लोगों के लिए, उनको पंजाब शिफ्ट किया जा सकता है। मीनाक्षी लेखी 2 बार से सांसद है, वो बहुत ही एक्सेप्टेबल फेस बीजेपी में नहीं है, दिल्ली बीजेपी में, कि मतलब उनके नाम पे जीत के आ जा रहा हो, 2 बार वो चुनाव जीत के आई है, हो सकता है उनका टिकट कट जाए। तो मेरी जो जानकारी है कि 7 के 7 कहीं काट ना दिए जाए।
और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो 3 या 4 की टिकट कट सकते हैं। जो टिकट बच जाएंगे वो परवेश वर्मा का होगा, वो विधुरी का होगा, वो मनोज तिवारी का होगा और शायद गौतम गंभीर का होगा। बाकी 3 टिकट कटना तय माना जा रहा है। अब इसमें किसकी एंट्री हो सकती है, जो स्पेकुलेशन है, जो बीजेपी के अंदर खाने चर्चा है, जैसे चांदनी चौक है, आप एक गेस करिए कि चांदनी चौक कौन उम्मीदवार हो सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चांदनी चौक में बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की है, वो जब एक साथ उस कैंडिडेट को वोट करेंगे तो एक एज देते हैं वो, दूसरे खुद एज लेते हैं, दूसरी पार्टी को बहुत पीछे छोड़ते हैं। तो कौन ऐसा उम्मीदवार हो सकता है चांदनी चौक में बीजेपी की तरफ से? नेवल टू गेस सर, मतलब 16% मुस्लिम उम्मीदवार, उसके सामने बीजेपी किसको खड़ा करेगी? हो सकता है अक्षय कुमार वहां उम्मीदवार हो जाए, चांदनी चौक से अक्षय कुमार उम्मीदवार हो सकते हैं। नई दिल्ली से कौन उम्मीदवार हो सकता है? अगर मीनाक्षी लेखी ड्रॉप की जाती है तो नई दिल्ली से कोई दूसरा उम्मीदवार हो सकता है, गेस करिए कौन हो सकता है? हो सकता है सुषमा स्वराज की बेटी वासुदेव स्वराज नई दिल्ली से उम्मीदवार हो जाए। तो ऐसे कुछ चौंकाने वाले नाम आपको दिख सकते हैं जो अचानक से पिक्चर में आए। पिछले कुछ दिनों से वासुदेव स्वराज पार्टी के लिए काम भी कर रही है, वो एक एक्सेप्टेबल फेस है, उनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, बिल्कुल कार्यकर्ता बनकर वो काम कर रही है। अब नहीं कहीं कोई कह सकता कि लैटरल एंट्री उनकी हो गई है, कि मां थी इसलिए वो आ गई। वो दिल्ली बीजेपी के लिए काम कर रही है, प्रकोष्ठ के लिए काम कर रही है, प्रवक्ता के तौर पे भी अपीयर हो रही है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ग्रूम किया है या बीजेपी ने उनको ग्रूम किया है। अब वो ये नहीं कहा जा सकता कि सुषमा स्वराज का निधन हुआ और उनकी बेटी को आपने उतार दिया है। मीक सबमिसिव सी वासुदेव स्वराज सामने आती है, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो वो उम्मीदवार हो सकती है जी। तो ऐसे कुछ चौंकाने वाले नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा समझौता किया है जो बीजेपी को पुश करके उनको बैकफुट पे ढकेलने के लिए है। बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड बड़े लेवल पे खेल रही है। एक जानकारी और दे दूं आपको, बीजेपी जानती है, उसे इस बात का अंदेशा था कि ये दोनों गठबंधन करेंगे, उसे लगता है कि इस गठबंधन के बाद भी वो बहुत आराम से हारने वाले नहीं है, लेकिन वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। आपको मालूम है कि हर रोज दिल्ली से अयोध्या कितने लोग ले जाए जा रहे हैं, ये हर रोज हो रहा है। करीब 5,000 लोग मुझे लगता है दिल्ली से रोज अयोध्या के दर्शन के लिए ले जाए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अपने लेवल पे ये काम कर रही है, वीएचपी अपने लेवल पे ये काम कर रही है, आरएसएस अपने लेवल पे ये काम कर रही है। तो एक उन्हें मालूम है कि मुस्लिम वोट को यूनाइट करके एक साथ पोलिंग कराने की कोशिश है, तो हिंदू को भी लामबंद किया जाए जी। और इसलिए लगातार चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, उनको ये टास्क दिया गया है। बीजेपी के तो कार्यकर्ताओं को ये टास्क दिया गया है और संघ ने अपनी सारी ताकत झोंक रखी है कि हमें इसको बड़ा करना है, इस दर्शन के की मुहिम को बड़ा करना है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है, उसकी काट के तौर पे क्या किया जाए, कुछ नए चेहरे अक्षय कुमार जैसे लाए जाए, बासुरी स्वराज जैसे लाए जाए, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको हटाया जाए, मैं बार बार कह रहा हूं हो सकता है सातों को हटाया जाए, नए लोगों को लाया जाए और हिंदुत्व का एक कार्ड भी खेला जाए। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम, बाकी जो उनके साथ पूरी एक 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 जो लंबी श्रृंखला बताई जाती है, उनकी उनकी विकास यात्रा, उनकी हिंदुवादी सोच, विदेशों में देश का नाम, जो हाइपर नेशनलिज्म का एक पुट डाला जाता है, वो सब तो होगा, साथ में हिंदुइज्म का एक बड़ा, हिंदुत्व का एक बड़ा कार्ड खेला जाएगा जो उनको विनिंग स्ट्रीक पे लगातार बरकरार रखे। मतलब बेसिकली आज आपने जाना कि वो कौन कौन सी ऐसी सीटें होती हैं, हो सकती हैं जहां जहां पे कांग्रेस लड़ेगी और आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और वो सीटें कांग्रेस ने क्यों रखी है और उन सीटों पे कांग्रेस का दाव क्या होने वाला है। लेकिन बीजेपी भी तैयारी में बैठी है, उससे भी कहीं ना कहीं पता था कि ये गठबंधन होगा
और गठबंधन में लोग चुनाव लड़ेंगे और हमें भी उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तब ये बातें कन्फर्म हो जाएंगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी धीरे धीरे सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।